आज का वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, बिकॉज इससे आपकी सेहत आपके हाथ में आने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ हीलिंग के प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में यूजुअली जिस तरह से समझा जाता है वो बहुत गलत है। लोग यही मानते हैं कि हीलिंग हमारी बॉडी करती है, करने की कोशिश करती है, बट इसको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, बिना डॉक्टर्स के हम अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। तो हीलिंग के प्रोसेस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको जानना, इट्स मस्ट। तो सबसे पहली बात, आपके शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई कौन सी है? अजीब लग रहा होगा ना आपको क्वेश्चन, शरीर में दवाई कहाँ है? दवाई तो हम तब लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, तब हम उसको खाते हैं, फिर ठीक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी दवाइयाँ आपका शरीर खुद बनाता है, अपने अंदर बनाता है। इन्हीं को हम हार्मोन्स, केमिकल्स और वगैरह वगैरह के नाम से जानते हैं। जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि शरीर दवाई बनाता है और शरीर हर बीमारी के साथ लड़ाई करता है, जिस समय आप बीमार होते हैं, आपको कोई चोट लगती है या कोई बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, तब आप समझेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर में जो अपने अंदर ही एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रखी है, जो बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज दवाई बना बना कर बेचती हैं और आप उसको खाते हैं, उससे भी बड़ी और उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक ऐसी दवाई बना बना करके आपको बॉडी आपको देती है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जी हाँ, ये सबसे ख़ास बात है हमारी बॉडी की कि ये जो केमिकल्स बना करके अपने हीलिंग प्रोसेस को देती है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, इस प्रोसेस में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिकॉज बॉडी अपने हिसाब से जो जो चीज़ें इफ़ेक्ट चाहिए उसी हिसाब से केमिकल रिलीज़ करती है। लेकिन इसके पीछे कुछ बातें हैं जो आपको जानना होगा कि किस जगह आपको इंग्लिश मेडिसिन लेनी है जिनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और किस जगह पर आपको केवल हीलिंग के ऊपर विश्वास करना है, और किस जगह पर आपको सारी चीज़ों को ट्राई करना है। बीमारी बड़ी ख़तरनाक बात है ना, बीमारी सुनते ही, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। ऑब्वियसली बीमारी हमको ख़त्म कर सकती है, हमारी लाइफ को डेबिलिटेट कर सकती है, लेकिन जब ये बताता है कोई डॉक्टर की चिंता मत करिए आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो कितना जल्दी हमारे ऊपर से टेंशन ख़त्म हो जाता है, नहीं? और वहीं पर अगर हमको कोई छोटी बीमारी हो और केवल डाउट हो जाए कि शायद कोई बड़ी बीमारी है, मान लीजिए आपके घर में किसी को कोई कैंसर हो, कोई और बड़ी बीमारी हो, और आपको भी वैसे ही सिम्टम आना शुरू हो जाए, तो आप कितना डर जाते हैं। इवन दो आपको नहीं हो बीमारी, तब भी आप डर जाते हैं, और उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 10 जाँच कराता है और अल्टीमेटली आपको बताता है कि आपको बीमारी है या नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो डायग्नोसिस होता है वो कैसे होता है? डायग्नोसिस केवल शरीर को देख करके होता है। एक डॉक्टर जब किसी मरीज़ को देखता है तो केवल शरीर को देखता है, तो और क्या देखेगा? ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में 5.5 साल तक के लिए बॉडी ही दिखाई जाती है। फर्स्ट ईयर में हम लोग डेड बॉडीज़ को पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में हम लोग बैक्टीरियाज़ को पढ़ते हैं, दवाइयों को पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में हमको मरीज़ मिलते हैं जो बीमार हैं, उनके शरीर को हम चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इन ऑल हम बीमारियों को डायग्नोज कैसे करते हैं? मरीज़ों के सिम्टम्स के ज़रिए। हमारे लिए एक हार्ट अटैक क्या है? दिल में दर्द, सांस की परेशानी, और इसके अलावा जब जांच होती है तो ECG में चेंजेस आते हैं, या 2D इको में कुछ चेंजेस आते हैं, एक्सरे में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर्स को एक डायग्नोसिस का फॉर्म देते हैं, और ये डायग्नोसिस ही आपको हम बताते हैं, और अपने हिसाब से हम लोग बताते हैं ये ख़तरनाक बीमारी है, इसके लिए आपको बड़े बड़े इलाज, बड़े बड़े जाँच कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। और जब आप इसको सुनते हैं तो या तो आप डरते हैं या तो आप नहीं डरते हैं। तो क्या आपको डरना चाहिए? बीमारी के बारे में ये बात थोड़ा समझिए, ये कॉमन भाषा है डॉक्टर्स की, इसको आप भी जानिए। दो तरह की बीमारियां होती हैं जो हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होती है अक्यूट, मतलब जो अभी तुरंत की हो, 2-4 दिन 10 दिन की खांसी बुखार वगैरह वगैरह, और एक होती है क्रॉनिक, जो बहुत लंबे समय से है। मतलब क्रॉनिक का मतलब होता है 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं उसे पूछता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, पेट में दर्द है या सर में दर्द है, वो कब से है? तो अगर वो बताता है मुझे कुछ ही दिन से है, 2-4-10 दिन से है, तब तो मैं जान जाता हूँ कि इसको अक्यूट प्रॉब्लम है, कोई तुरंत वाली प्रॉब्लम है। और अगर वो बताता है नहीं डॉक्टर साहब हम तो बहुत टाइम से परेशान हैं इस चीज़ से, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तो मैं जानता हूँ इसको क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अब
जो अंग्रेज़ी दवाइयां हम देते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, जो कि अब सभी देते हैं, चाहे कोई भी BMS हो, BHMS हो, या कहीं पर भी कोई भी पैथी के लोग होते हैं, वो एलोपैथिक दवाई चलाते हैं, बिकॉज एलोपैथिक दवाइयां एक जादू की तरह दिखाई देती हैं उसका असर। अगर आपको मलेरिया है, टाइफॉइड है, या कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम है, अक्यूट इन्फेक्शन है, तो उससे आप इस इंग्लिश मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, बट बशर्ते आपको दवाइयाँ पता हों, उसके साइड इफ़ेक्ट पता हो, बिकॉज अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप बीमारी के स्पेसिफिक दवाई नहीं देते हैं। और उसकी वजह से एक और बड़ी नई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते इन दवाइयों को, जब वो लोग देते हैं तो ऐसे ही एक मिक्सचर बना करके दे देते हैं, और फिर क्या होता है पता है, दवाइयों के खिलाफ बॉडी या बैक्टीरिया जो होते हैं असर नहीं करते, मतलब मरते नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। वो अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा, बट ये समझिए कि एक होता है अक्यूट बीमारी, जिसमें कि अंग्रेज़ी मेडिसिन बहुत 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 कारगर है, इसीलिए इतनी फेमस भी है, बिकॉज हमको दर्द हुआ, तुरंत डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, हम ठीक हो गए। और दूसरी होती है क्रॉनिक प्रॉब्लम, और इसका इलाज बहुत बहुत ही मुश्किल है, और इसके इलाज के लिए हम दर दर भटकते हैं। आपको कमर की दर्द हो रही है, गर्दन की दर्द हो रही है, आप गए ऑर्थोपेडिशन के पास, उसने देखा, आपका एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराया, और आपने डॉक्टर को बता दिया कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या मसल की स्पाज़म है, और आप फिर परेशान होते रहते हैं, ठीक नहीं होता, वो कमर की दर्द ठीक नहीं होती है। इसी तरह की जोड़ों की दर्द या कोई भी प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका इलाज अभी भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अंग्रेज़ी डॉक्टर्स के पास नहीं है, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, बट सब के सब ट्राई कर रहे हैं। बट ये दो डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्यूट प्रॉब्लम तुरंत ठीक कर सकते हैं, और अक्यूट प्रॉब्लम के लिए ढेर सारी दवाइयां हैं, बट क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए दवाइयां तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, अंग्रेज़ी मेडिसिन बहुत ज़्यादा डोज भी ले रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। तो इन दोनों बीमारियों के डिफरेंस को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दो केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये दोनों केसेस मिराकल्स के हैं, केसेस मेडिकल मिराकल्स हैं। इसको डॉक्टर्स सुनने के बाद भी विश्वास करने को तैयार नहीं होते, बिकॉज डॉक्टर्स अपने खुद के बिलीफ से बहुत स्ट्रांगली फंसे होते हैं। डॉक्टर्स जिस चीज़ को मान लेते हैं कि लाइलाज ही है, और उनका भी बात मानना सही है, बिकॉज जब हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों मरीजों को देखते हैं और उनको देख रहे हैं कि इस बीमारी का यही रिजल्ट होता है, तो हम मानेंगे ना कि ये नहीं हो, ठीक नहीं हो सकता। तो मैं पहला केस जो आपको बताने वाला हूँ वो है डॉक्टर जियो डिस्पेंजा का। ये रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, लेकिन इनके साथ 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 ये साइकिलिस्ट भी हैं। इनको साइकिलिंग का बड़ा शौक़ था, और एक इसी तरह के साइकिल का रेस में ये हिस्सा ले रहे थे, और उनका बहुत बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो गया। इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब रीढ़ की हड्डी टूटी है तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, और हम जानते हैं कि इसको ठीक करने के लिए ढेर सारे मेटल नेल्स लगाए जाने चाहिए, हंटिंगटन नेल्स बोलते हैं उसको। लेकिन इस बंदे का इतना ज़्यादा विश्वास था, पता नहीं क्या आदमी था, कि इसने कहा नहीं, मैं इसको खुद से ठीक करूँगा। और ये बहुत सालों से अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और हीलिंग के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने आँख बंद करके विजुलाइज़ किया, इसको विजुलाइज टेक्निक कहते हैं। ये अपने आप में बहुत मुश्किल टेक्निक है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन या डिस्ट्रैक्शन को कम करना नहीं सीखा है, कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करना नहीं सीखा है, तो ये कर नहीं पाएंगे। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई आदमी पेंटिंग करे, या कोई आदमी बहुत अच्छे तरीके से सिंगिंग करे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सालों का रियाज का रिजल्ट होता है। तो इन्होंने महीनों तक आँख बंद करके विजुलाइज़ किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी जुड़ रही है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके जो भी फ्रैक्चर्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, जितने भी नर्व्स हैं, वेन्स हैं, सब ठीक हो रही हैं। और इस चीज़ का उन्होंने, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप ज़िंदगी भर व्हीलचेयर पे रहेंगे, आप चल फिर नहीं पाएंगे, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स वो बैक टू नॉर्मल हो गए, और अब पूरी दुनिया में घूम घूम करके वो सेमिनार्स करते हैं। तो वो था इनका कॉन्शियस हीलिंग। जब तक आप कॉन्शियस हीलिंग करेंगे, अब तक मैं आपको एक और केस बताता हूँ, इसमें कोई कॉन्शियस हीलिंग नहीं हुई है, इसमें एक मैजिकल हीलिंग हुई है। इनका नाम है मिसेस अनीता मुरजानी। इनके साथ जो ये घटना घटी, इसके बाद ये एक वर्ल्ड फेमस ऑथर हो गई हैं और स्पीकर हो गई हैं। इनको जो डायग्नोसिस हुई थी वो था लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर। हमारे हॉस्पिटल में जब मेरे सेंटर में कोई लिम्फोमा का पेशेंट आता है, तो हम लोग बहुत उसके लिए दुखी होते हैं कि बेचारा बहुत ही खतरनाक, उसके लिए उसको कीमोथेरेपी मिलेगी, और पता नहीं कौन कौन से टॉर्चर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद भी इसकी उम्र जो है वो केवल इतने सालों तक ही रहेगी। यही डायग्नोसिस इनकी भी बनी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत ही बीमार हैं, और दवाइयाँ चली, और फिर अल्टीमेटली ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, बस मरने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद बोलती है, मेरे साथ एक
मैं मर गई बेसिकली। और मरने के बाद मैंने ये देखा कि मैं दूसरे रियाल में गई हूँ और अपने पिता से मिली हूँ जो बहुत सालों पहले ख़त्म हो चुके थे। और उनके पिता के साथ जो इनका रिलेशनशिप था बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत ही जजमेंटल था। ये अपने पिता को पसंद नहीं करती थी, पिता इनको पसंद नहीं करते थे। बट अल्टीमेटली जब उन्होंने उस रियाल में देखा तो ये देखा कि किस तरह से बिल्कुल भी जजमेंटल जो था रिलेशनशिप वो ख़त्म हो गया है। वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो गया है। इनके पिता इनको बहुत ही प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं, गुड बोल रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो फीलिंग जो जो बचपन से उनके पिता के लिए बहुत कड़वाहट की फीलिंग थी, एक गुस्से वाली फीलिंग थी, वो उस रियाल में बोलती हैं ख़त्म हो गया। उसके बाद में होश में आई और फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि पता नहीं कैसे हुआ बट विद इन बस 2-3 मंथ्स में इनका पूरा का पूरा कैंसर रिग्रेस हो गया। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड केस है, अगर आप कभी देखिए तो, इन्होंने किताब भी लिखी है। तो ये जो दो केसेस हैं ये कैसे काम किया इन्होंने, ये हुआ विद द पावर ऑफ बिलीफ एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, आप आयुर्वेद के पास जाइए, अपने खाने में ट्रांसफॉर्म करिए। बट जब आप बीमार हैं उस कंडीशन में आप बिलीव करिए कि आपकी बॉडी उसको हील कर सकती है, आप उसको सपोर्ट करिए और चीज़ें हो सकती हैं। हज़ारों केसेस हैं इस तरह के हीलिंग के। बट इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी चीज़ को आप खुद के ऊपर विश्वास करिए। अगर आप किसी और के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरा हीलिंग करेगा तो वो सेकेंडरी है। जब तक आपका विश्वास काम नहीं करेगा तब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं काम करता। आपकी जान पहचान में जो भी आपके दोस्त हैं जो बीमार हैं जो हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप उनको ये वीडियो देते हैं तो क्या पता आप उनकी जान बचा लें। सो सेव लाइव्स, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।